नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। मिड डे मील योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। ये डेफिनेशन सुनने में बहुत खूब लगती है ना, लेकिन सरकार द्वारा बनाई गई ये योजना कैसे दुर्गति की ओर बढ़ सकती है, उसका उदाहरण हम आपको आज देंगे। जिन स्कूलों में बड़े बड़े अफसर और मंत्री और कई पद शामिल होते हैं और उनके ऊपर स्कूल के बच्चों के खाने का पूरा जिम्मा होता है, उनके द्वारा ये घोटाले सामने आए तो स्थिति क्या होगी। बात है मध्य प्रदेश के स्कूलों की। यहाँ के महत्वाकांक्षी मध्याह्न भोजन योजना का लाभ लेने वालों की पहचान, उत्पादन, वितरण और गुणवत्ता नियंत्रण में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और हेराफेरी की गई है। अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट बताती है कि ये महत्वाकांक्षी योजना कोविड के दौरान 2 साल के लंबे फुल स्टॉप लग जाने के बाद पूरी तरह से फिर से एक शुरुआत की गई थी, लेकिन इसने स्कूली बच्चों की चिंता मिटाए नहीं बल्कि उन्हें भूखा रखा और पूरी तरह से निराश कर दिया। आपको बताते चलें कि कोविड के टाइम पे मिड डे मील की जो ये बेनिफिशियरी थी, जो बेनिफिशियल्स थे मिड डे मील के और जो बच्चे थे और ये जो प्रोग्राम था, इवेंट था मिड डे मील का, ये नहीं हो पाया था क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और उनको मिड डे मील का लाभ नहीं मिल पाता था। अब 2 साल का लंबा समय बीत चुका है, उसके बाद मिड डे मील, इनफैक्ट मध्य प्रदेश क्या कहीं कुछ स्टेट्स में तो ये अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है ये प्रोग्राम, और जहाँ हुआ भी है वहाँ हाल कुछ ऐसे ही। अब बता दें कि ये घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाले की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये घोटाला कुछ ऐसा है कि 6 टेक होम राशन यानी THR बनाने वाले संयंत्रों फर्मों ने 6.94 करोड़ की लागत वाले 1125.64 MT THR का परिवहन करने का दावा किया। अब ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वाहन डेटाबेस के सत्यापन के बाद पता चला कि इस्तेमाल किए गए वाहन वास्तव में मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और टैंकर के रूप में पंजीकृत थे। डेटाबेस में ट्रक बिल्कुल भी मौजूद ही नहीं था। चौंक गए ना। अब इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी आपको बताते हैं, समझाते हैं। केंद्र की ओर से राज्य सरकार का अप्रैल 2018 तक THR वितरण के लिए स्कूल नहीं जाने वाली किशोर निर्देशों दिए जाने के पश्चात ताप भी महिला एवं बाल विकास विभाग यानी WCD ने फरवरी 2021 तक बेसलाइन सर्वेक्षण पूरा नहीं किया और न सरकार ने एक बार कोर्स चेक करने की मन में सोची। और ये बात नहीं खत्म होती यहाँ, बल्कि THR उत्पादन प्लांट्स ने THR उत्पादन को उनकी रेटेड और परमिटेड क्षमता से परे बताया। THR उत्पादन की बात करें तो फर्जी उत्पादन 50 से भी ज्यादा है, 50 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी कि बड़ी, धार, मंडला, रीवा, सागर और शिवपुरी में 6 संयंत्रों ने चालान जारी करने की तिथि पर THR स्टॉक की अनुपलब्धता के बावजूद 4.95 करोड़ की लागत में 821.558 मीट्रिक टन THR की आपूर्ति की। 8 जिलों में बाल विकास परियोजना अधिकारियों यानी CDPO ने पेड़ पौधों से 97,656.3816 मीट्रिक टन THR प्राप्त किया। हालांकि उन्होंने आंगनवाड़ियों को केवल कितना दिया, उसमें से केवल 86,377.5173 मीट्रिक टन THR का परिवहन किया। शेष THR 10,176 के करीब, जिसकी लागत 62.72 करोड़ है। इसको लेकर न तो परिवहन किया गया, न ही गोदाम में उपलब्ध हुआ था, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से स्टॉक्स का दुरुपयोग हुआ है। डेटा हमने देख लिया, डेटा की बात हो गई, लेकिन क्या यहाँ पे ये क्वेश्चनेबल नहीं है सरकार, या आंसरेबल नहीं है सरकार कि किस तरीके से यदि मिड डे मील जैसा प्रोग्राम सरकार द्वारा लॉन्च किया जाता है तो इसकी आपूर्ति क्यों नहीं होती। बच्चे आजकल भी इस समय में भी कोविड के
इतने समय बीत जाने के बाद भी उन्हें एक वक्त का खाना प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ये क्वेश्चन है औंध के और सरकारों के मुंह पर आके गिरता है प्रश्न कि क्या सरकार नहीं है इतनी भाग्यपूर्ण कि वो बच्चों को खाना दे पाए, मिड डे मील जैसा प्रोग्राम स्टार्ट किया है, या तो मिड डे मील जैसा प्रोग्राम बंद ही कर दिया जाए। अब देखने वाली बात ये होती है कि ये केस जो सभी के आंखों के सामने निकल कर के आया है, क्या इस केस के बाद सरकार इस प्रोग्राम में कोई चेंजेस लाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिएगा वो के साथ।